अभी ऑटो ट्रिप करेगा, ठीक है। अब हम इसकी वायरिंग को समझ लेते हैं, थोड़ा सा वायरिंग कर लेते हैं। अब हम इसको प्रॉपर तरीके से, इसकी सेटिंग ये थी, ठीक है, ये सेटिंग है इसके, ये इस तरीके से लगेगा। इसकी सेटिंग देख लें, कितना आपको अंदर रखना है, कितना बाहर रखना है, ये आपको यहीं से नज़र आ जाएगा। ये देखें, बिल्कुल प्रॉपर तरीके, मैं समझता हूँ अब जो फिक्सिंग कंपनी ने दी है ये बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में और अच्छी फिक्सिंग के साथ दी है। जो पहले होता था उसमें बहुत प्रॉब्लम हमको होती थी, लेकिन ये थोड़ा सा इजी इन्होंने बना के दिया है। अब इसमें 4 और 6 जहाँ से मैं निकालूंगा इस वाले स्विच से, वो यहाँ लगा दूंगा और ईजिली इसको दोबारा से हम फिक्स कर देंगे, ठीक है। अब 4 6 निकालो बेटा और 4 6 के साथ उसको कनेक्ट कर दो। इस वीडियो के अंदर हम आपको आज सिखाने वाले हैं कि ऑटोमेटिक स्विच आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डाउलेंस रिफ्लेक्शन मॉडल है ये, ठीक है, एनर्जी सेविंग वाला स्टैंडर्ड है ये, और ग्लास डोर रेफ्रिजरेटर आप इसको पुकार सकते हैं, ठीक है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर, जो प्लेट आम फ्रिजों में होती है वो प्लेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसका ऑटोमेटिक स्विच हम चेंज करने वाले हैं, तो हम आपको बताते हैं किस तरीके से, ठीक है। वीडियो को लाजमी देखिए ताकि आप लोग कुछ ना कुछ सीख सकें। थैंक यू। मोबाइल को उल्टा रखो और डाउलेंस का ग्लास डोर रेफ्रिजरेटर है ये, और इसका थर्मोस्टेट खोल रहे हैं, ठीक है। 2 स्क्रू होंगे, इसकी बेलो देखेंगे कि हम कहाँ जा रही है, इसकी बेलो वहीं पे लगानी है। बेलो कहाँ जा रही है? बेलो जा रही है उसके अंदर। हाँ, ये निकाल लूँ ये वाली? नहीं नहीं सबर, अभी नहीं लगा हुआ। कौन सा है? ये वाला, और ये देखो ये वाला लगा हुआ है इसका, ठीक है। वैसे बेसिकली ये पहल के फ्रिजों में होता है, ठीक है। और यहाँ लाइट मारो, नंबर क्या लिखा हुआ है? 4 6 और 3 ना, तो 4 6 3 उधर भी है और इसकी बेलो यहाँ से अंदर गई हुई है, ठीक है, ऊपर से। ज़्यादातर फ्रिजों की यहाँ सामने होती है, ठीक है। अब इसकी सामने प्लेट तो नहीं है ना इस डिज़ाइन में? नहीं, तो इसका अंदर दिया हुआ है। सही, तो हम जो नया लगाने वाले हैं उसका हम अंदर डालेंगे और फिर इसको ओपन करेंगे, ठीक है। अब ये खींचेंगे बाहर आ जाएगा, देख ये खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा और नया वाला बेलो है इसी में लग जाएगा। ये ऑटोमेटिक बेलो है इसकी, ये जितना इजीली बाहर आ रहा है ऐसे ही चला जाएगा? हाँ, ऐसे ही चला भी जाएगा। अब आपने क्या करना है, कनेक्शन करना है ना। सबसे पहले इसकी नॉब हटेगी, ये नॉब पहले हटेगी। नॉब हटने के बाद इसके अंदर चूड़ी लगी हुई है, चूड़ी हटेगी तो नया स्विच यहाँ बिठाओगे। पहले नया स्विच बिठाओगे, फिर इनमें से एक एक तार उसमें कनेक्ट करोगे, ठीक है। ठीक है, पहले ये करो। अब ये इसको खोल के खोलो ना, की ना माँ की ना, ये नोब इसको खींच लो, खींचो बस, नोब खींचोगे तो बाहर आएगी। एक जाम है सर? हाँ, प्लास से पकड़ो या पेचकस से ऐसे बाहर करो इसको। प्लास कैसे सर? यहाँ पर फंसाऊँ मैं इसको? यहाँ फंसाओ, ऐसे ऊपर की तरफ करो तो ये बाहर आ जाएगा। पेचकस डालो यहाँ? सही, ऊपर पुश करो फिर। आ गया जी, ये चेक नट आया। अब ये थर्मोस्टेट स्विच लगाने के लिए चेकनेट खोलोगे तो ये बाहर आना है। अभी वायरिंग नहीं निकालनी है, ठीक है, पहले उसको पहले निकाल के अपना नया वाला जो स्विच है वो लगा दो। ये देखिए गलती है ना आपकी। अब वैसे प्लास या नॉस प्लास से खुल जाता है, ठीक है। अभी स्पैनर पड़ा है तो स्पैनर से खोलते हैं। सही तरह टाइट करो, पकड़ो ये मेरे को दिखा। अब इसका तरीका यही है, देखें इसको इजीली लगाने का तरीका यही है। इसको निकाला, अब पहले ये अलग कर लिया, ये बॉक्स आपके हाथ में ऐसे आ जाता है। सही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपना जो स्विच है वो यहाँ लगा के उसको चेकनेट से टाइट करना है। उसके बाद इसके कनेक्शन को प्रॉपर तरीके से जज करके लगाना है। कनेक्शन भी लगाते हैं लेकिन पहले इसके अंदर वो लगाओ जो हमको लगाना है, जो लाए हम। इसकी जगह हम ये वाला स्विच लगाने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, ये वाला स्विच लगाने वाले हम, ये बॉक्स यहाँ यूं पकड़िए। अब इसकी जगह हम ये वाला बॉक्स लगाने वाले हैं, ठीक है। ये वाला स्विच हम चेंज करेंगे, अब इसको चेंज किस तरह करना है देखें। सीधी बात है, पहले हम इस बॉक्स के अंदर इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जब ये कनेक्ट हो जाएगा इसके बाद हम इसकी बेलो वगैरह को लगाएंगे। हाँ, ये चेक नट जो निकला लगा दो इसके साथ। अंधेरे का थोड़ा सा इशू है तो इसको थोड़ा सा टॉलरेट करें ताकि देखें बेस्ट जो चीज़ होती है कंटेंट बनाना।
आप लोगों को दिखाना, ठीक है, बस आप लोगों को समझ आ जाए यही काफ़ी होता है, इसलिए वीडियोस बनाते हैं, अदरवाइज़ हमें वीडियो बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो रेफ्रिजरेटर में जब कभी आपको काम करना हो तो ये एक प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना होता है। ऑटोमेटिक स्विच प्रॉब्लम ये आ रही है ओवर आइस की, देख रहे हैं आप, ये देखें ये जो ओवर आइस आपके रेफ्रिजरेटर में बन रही होगी जिस तरीके से नज़र आ रही है, मैं थोड़ा सा करीब करके दिखाता हूँ, ये ओवर आइस देखें कितनी है। तो ये ओवर आइस जब भी नज़र आती है तो इसका मतलब यही है कि आपका रेफ्रिजरेटर जो है वो प्रॉपर तरीके से काम तो कर रहा है लेकिन ऑटो ट्रिप नहीं कर रहा है। तो जब ये ऑटो ट्रिप नहीं करेगा, ऑटोमेटिक बंद नहीं होगा, रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा रेफ्रिजरेटर को, तो ओवर आइस बनने की वजह से रेफ्रिजरेटर की नीचे वाले हिस्से में जो कूलिंग है वो हल्की रहेगी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके रेफ्रिजरेटर में गैस कम है, गैस पूरी है तभी आइस आ रही है, लेकिन ओवर आइस से फ्रिज ऑटो ट्रिप नहीं कर रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना, जब कभी ओवर आइस होगी और फ्रिज बंद नहीं हो रहा होगा आपको पता भी चल जाएगा, तो उस सूरत में आपको इसका थर्मोस्टेट स्विच जो है वो नया लगा लेना, जैसे कि हम लगा रहे हैं। ठीक है, लगाने का तरीका पूरा आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर गौर करना है आपने, यहाँ पर लिखा हुआ है 4, 6 और 3, तो 4 और 6 पे जो वायर लगा हुआ है वो यहाँ पर आप देखें, ये जो आप नया लगा रहे हैं, हालांकि दिखने में दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, आप दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, यहाँ पर यही नंबर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है इसके, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आप देखें यहाँ पर भी 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, लाइट का थोड़ा सा इशू है लेकिन समझ आ जाएगा, 4 भी लिखा हुआ है, 6 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 4, 6 इसका निकाल के यहाँ लगा दें तो एज़ इट इज़ वर्किंग करेगा, जैसे आपका ये ओरिजिनल स्विच वर्क कर रहा था, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इंशाल्लाह ताला ये बेहतरीन वर्क करेगा फिर। ठीक है, अब इसकी बेलों को सीधा कर लो, यहाँ पकड़ो आप, सीधा अंगूठे से करो, ठीक है, हाँ, अब बेलों को डालते हुए ले जाओ डब बॉक्स को अंदर, फिर ताले लगा, अब जहाँ से आपने वो निकाला था थर्मोस्टेट स्विच का केबल, यहाँ पर देखें वो बेलो जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अंदर चली जाएगी, सबर दिखा, ये देखें, आपको बताने का मकसद ये है कि देखें ये हार्ड ट्यूब है, अगर ये सॉफ्ट ट्यूब होती तो ये अंदर जाके मुड़ जाता, ठीक है, तो ये हार्ड ट्यूब बना हुआ है, इसी के अंदर बेलो डालनी और इसी के अंदर से बेलो प्रॉपर तरीके से अंदर चली जाएगी। आम फ्रिजों में यहाँ प्लेट लगी हुई होती है जो पुराने ओल्ड मॉडल आते हैं, लेकिन लैटिस के अंदर प्लेट नहीं होती है, लैटिस ये यहीं से अंदर चला जाता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखें आपने क्या करना है, आपने जस्ट देखें ये छेड़ा है इसका, ठीक है, आपने इस छेड़े को इसके अंदर रखना है और जस्ट आप इसको पुश करेंगे तो चला जाएगा, जैसे जैसे पुश करते रहेंगे आप ये देख सकते हैं मेरा हाथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है, मेरा हाथ आगे बढ़ रहा है, देखें इससे अंदाज़ा लगा लेंगे ये अंदर जा रहा है, और वो अंदर जो ट्यूब है वो हार्ड दी हुई इसीलिए ताकि ये कहीं भी रुके नहीं और इजीली चला जाए, क्योंकि अगर ये नरम होता तो ये कहीं भी जाके फंस जाता। ठीक है, अब देखें, ठीक है, देखें बॉक्स कितना करीब आ गया, इसकी प्रॉपर जितनी भी ट्यूब थी सब चली गई, अब वो यहाँ पर आके फिक्स हो गई है जिसकी वजह से अब ये ऑटो ट्रिप करेगा। ठीक है, अब हम इसकी वायरिंग को समझ लेते हैं, थोड़ा सा वायरिंग कर लेते हैं। अब हम इसको प्रॉपर तरीके से, इसकी सेटिंग ये थी, ठीक है, ये सेटिंग है इसके, ये इस तरीके से लगेगा, इसकी सेटिंग देख लें कितना आपको अंदर रखना है कितना बाहर रखना है, ये आपको यहीं से नज़र आ जाएगा, ये देखें बिल्कुल प्रॉपर तरीके, मैं समझता हूँ अब जो फिक्सिंग कंपनी ने दी है ये बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में और अच्छी फिक्सिंग के साथ दी है, जो पहले होता था उसमें बहुत प्रॉब्लम हमको होती थी, लेकिन ये थोड़ा सा इजी इन्होंने बना के दिया है। अब इसमें 4 और 6 जहाँ से मैं निकालूंगा इस वाले स्विच से वो यहाँ लगा दूंगा और ईजिली इसको दोबारा से हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब 4, 6 निकालो बेटा और 4, 6 के साथ उसको कनेक्ट कर दो, साथ साथ आप लोगों को इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरीके से लगाना है। हाँ, एक और बात कवर कर लूं कि अगर रेफ्रिजरेटर में देखें आजकल नए बल्ब आ रहे हैं एलईडी, ये उड़ते बहुत कम हैं, अगर आपका पुराना ओल्ड मॉडल में बल्ब जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है तो उस बल्ब को निकाल के आप एलईडी बल्ब अपने आम फ्रिज में भी लगा सकते हैं। तो जहाँ पर बल्ब उड़ने की ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, रेफ्रिजरेटर का बल्ब उड़ जाता है, वहाँ पर आप एलईडी बल्ब ये वाला लगा सकते हैं जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो एलईडी बल्ब लाजमी लगवाया करें, इसकी रिलायबिलिटी भी है, आप वो 40-50 रुपए का वो वाला बल्ब लेंगे वो बार बार उड़ जाएगा, तो आप एलईडी बल्ब लगा लिया करें। कनेक्शन हमने निकाल लिया, आप कनेक्शन देखें जिस तरीके से लग रहे हैं ये नज़र आएंगे आपको, ये रहे नंबर 4, नंबर 4 पर नंबर 4 लगा दो और अर्थ वायर को बॉडी के साथ, इसका अर्थ वायर है, हाँ अर्थ वायर बॉडी के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है,
अर्थवायर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। बॉडी के साथ अर्थवायर कनेक्ट होगा क्योंकि उसका कोई कनेक्शन से वास्ता नहीं है, लेकिन अर्थिंग के लिए बॉडी पे ही लगाया जाता है हमेशा। लेफ्ट साइड की तरफ लगा दो। 4 नंबर पे लग गया। 6 नंबर अभी ये निकलेगा बाहर, तो 6 नंबर निकला। अब ये 6 नंबर की जगह पे लगा दो। लूजिंग देख लेना, लूजिंग नहीं होनी चाहिए। हो गया, ठीक है, हो गया। हाँ, अब देखें यहाँ पर, देखें अर्थ वायर जो है इसकी बॉडी के साथ कनेक्ट हो गया है, और 6 नंबर पे 6 नंबर का लगा दिया, 4 नंबर पे 4 नंबर पे लगा दिया। अब इसकी केबल को हम और अंदर करेंगे, देखेंगे किस तरीके से फिक्स हो रहा है, और हम इसको तारों को इसके साथ साइड बाय साइड ले जाते हुए इसको ऊपर पुश करके फिक्स कर देंगे। ठीक है बेटा, फिक्स कर दो इसको। थर्मोस्ट से स्विच लगाने का ईजी वे यही है जो आपको अभी गाइड किया गया। कभी भी रेफ्रिजरेटर में ऑटोमेटिक स्विच आपकी प्रॉब्लम कर रहा हो तो आप इसी तरह खुद चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ईजी है, ईजी टू इंस्टॉल। आपको किसी टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना सा है आपको खुद इसमें कोशिश करनी पड़ती है। क्या चीज़ टकर रही है देखना, ये प्रॉपर तरीके से देखो, लगेगा तब जब बिल्कुल सही तरीके से बैठेगा। कहीं ना कहीं टकर रहा है, ये देख, सही है। अब ये बिल्कुल आ गया, अब इसके नट वापस लगा दो। जैसे एज इट इज़ आपने इसके स्क्रू खोले थे, ये वापस से आप इसे ही फिक्स कर दोगे तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट स्विच चेंज करने की पूरी डायमेंशन हमने आपको बता दी। इसी तरीके से आपको पूरा प्रोसेस करना है। अब फिर भी कुछ समझ नहीं आता, कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में गुड नाइस वगैरह लिख दें। इससे हमें क्या होता है कि हम मोटिवेट होते हैं, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला और बेहतर तरीके से आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करेंगे। स्विच लगाते हुए आपको सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि देखिए 4, 6 और 3 इसके ऊपर ये 2 नंबर मेंशन हो, 3 नंबर मेंशन होते हैं। 4 और 6 जो होता है वो इसका कंट्रोल होता है रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर को चलाने का। आपको सिर्फ वही नोटिस करना होता है, उसी के ऊपर अपने आप को चलाना होता है। ठीक है, आपने देखें, मैं आपको समझा दूँ कि आम फ्रिजों के अंदर यहाँ पर प्लेट होती है पूरी ऐसी लगी हुई, इसमें नहीं है। और यहाँ पर आप देखें 5 का टेम्परेचर मैंने रखा है, एज़ पर रिक्वायरमेंट कूलिंग कम ज़्यादा जो भी होगी वो आपको यहाँ से एडजस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन ये देखो बर्फ़ गिर भी गई। इसके अंदर प्रॉब्लम सिर्फ यही आ रही थी कि ये ओवर आइस बना रहा है, जिसकी वजह से दिखा पीछे से दूर कर, ओवर आइस बना रहा है। इतनी आइस बनने की वजह से क्या होता है कि कूलिंग डिम हो जाती है। जब कभी आप रेफ्रिजरेटर में इस तरीके की आइस आपके पास आने लगे तो ये वीडियो मेरी आपके काम की होगी। इसी तरीके से आपको ऑटोमेटिक स्विच चेंज करना है जैसे मैंने अभी समझाया। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडा है तो कभी भी काम करना हो तो ये कर लें, सही है। तो होपफुली वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। बर्फ़ टूट गई, दिखा होगा सारी बर्फ़ टूट चुकी है यहाँ पर। ठीक है, आप मज़ीद इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को हमेशा मिल सके और आप लोग हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, और ठंडे ठंडे हाथ भी मुंह पे लगा लेते ताकि मज़ा भी आ जाए। थैंक यू वेरी मच।